आपका स्वागत है होम एस्ट्रो चैनल में। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश महाजन। मैं हस्तरेखा को एक सिंपल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज का मेरा टॉपिक है जब आपकी जीवन रेखा चंद्र रेखा की ओर रुख करती है तो ऐसे जातक किस प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं, वो कैसे होते हैं। ये हमारी जीवन रेखा ये चंद्र पर्वत को की तरफ जा रही है, ये चंद्र पर्वत का रुख कर है। जीवन रेखा हमारी एनर्जी, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी एनर्जी को दर्शाती है, जबकि चंद्रमा हमारे माइंड, हमारी कल्पना, हमारे अंदर आर्टिस्टिक गुण, कलात्मक गुण, ब्यूटी, सुंदरता। किसके अलावा चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी बदलने वाला ग्रह है। जब हमारी एनर्जी मून माउंट की ओर चली गई, जब हमारी लाइफ लाइन ने जितना ये मून माउंट को घेरेगी, ऐसा जातक बहुत ज्यादा कल्पनाशील बन जाएगा, उसमें परिवर्तन, उसके मन में मिशन चेंज, परिवर्तन कल्पना बने। ऐसे जातक को यात्राएं बहुत करनी पड़ती है। इन जातकों का घर में दिल नहीं लगता, प्रायः घर से दूर रहना पसंद करते हैं। घर में रहकर भी प्रायः ये जातक अशांत रहते हैं और इनकी प्रीति घर में नहीं लगती। इसका कारण हो सकता है इनकी पत्नी। इनकी पत्नी कुछ अक्खड़ स्वभाव की हो सकती है, शायद इनकी बॉन्डिंग आपस में अच्छी नहीं होती, या कई बार ये खुद भी कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि इनको यात्राएं बहुत करनी पड़ती है। इनमें कामुकता बहुत ज्यादा रहती है, प्रायः ये वेनरल डिजीज, गुप्त रोगों से ग्रसित रहते हैं। इनको कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज, मधुमेह, उच्च रक्तचाप की समस्या अक्सर रहती रहती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम भी हो रहती है। इसका कारण अत्यधिक सोच हो सकती है, अत्यधिक कल्पना, अत्यधिक इनका परिवर्तनशील होना हो सकता है। ऐसे जातक क्या करें? इनके लिए सबसे उत्तम उपाय है योग एंड प्राणायाम। योग करें, प्राणायाम करें, अपने आप को व्यस्त रखें, भगवान शिव की उपासना करें, रोज 20 बार गायत्री महामंत्र का जाप करें। इससे जिससे उत्पन्न दोष समाप्त होगा और उन्हें सुख शांति मिलेगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।